मथुरा के समूचे ब्रजमंडल में नवरात्रों में देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर घर की सुख शांति की प्रार्थना की। इस समय नवरात्रों में मां के मंदिरों में जनसैलाब उमड़ रहा है। मथुरा नगरी श्रीकृष्ण की जन्म और क्रीड़ा स्थली में योग माया के जगह जगह पर बने मंदिरों ने आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। यहां के मां वैष्णो देवी मंदिर और शहर में कैंट पर काली देवी मंदिर, पुराना बस स्टैंड पर मां चामुंडा देवी मंदिर, रंगेश्वर काली देवी, कंकाली देवी, गायत्री तपोभूमि के सामने प्राचीन मंदिर चामुंडा देवी मंदिरों में मां के भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। 9 दिनों तक चलने वाली देवी ज्योति का घरों में वास रहेगा। सुख शांति के लिए भक्तों ने इसके लिए व्रत उपवास और देवी मंदिरों में तो मातृशक्ति की उपासना आराधना का उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी करुणा करनी चाहिए, उसके मातृ देवी भव उसकी आज्ञा से ही और आशीर्वाद से ही समस्त कार्य संपन्न होते हैं। यहाँ बहुत ही अलौकिक सुख का अनुभव हुआ है। मथुरा में ये जो दरबार बना है माँ वैष्णो का, हम वैसे वैष्णो देवी में व्यक्तिगत रूप से कभी गया नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जिस प्रकार दर्शन किया है माँ वैष्णो का, उनके चरण का, इसके अलावा भैरवनाथ का, तो उसी जैसा जो अनुभव प्राप्त हुआ है यहाँ पर, और बहुत ही अलौकिक और दिव्य दर्शन यहाँ पर हो रहा है। जिस नवरात्रि को जागरण करना, नवरात्रि तक देवी का पूजन करना, ये नवरात्रि का विधान है। देवी जो है सकल जगत की सृष्टिकर्ता है और विनाशकर्ता भी यही है। जब जब पृथ्वी पर दैत्यादियों का आक्रमण होता है तो देवी उनकी रक्षा करती है, और इन 9 दिनों में नव देवी का पूजन के